Good afternoon everyone. I am here to discuss today's analysis of exam. मैं अभी जस्ट यहाँ से देख के आया हूँ, एग्जाम सेंटर से निकला हूँ. और आज का जिस तरीके से पेपर इस बार का IBPS PO का जिस तरीके से IBPS PO ने कंडक्ट करा है, वो थोड़ा सा लास्ट टाइम से कंपैरेटिवली अलग और डिफरेंट आ रहा है. हर सेट में पैटर्न अलग अलग चेंज हो रहे हैं. हर जगह थोड़ी थोड़ी उन लोग ने मॉडरेट लेवल में इंक्रीज किया है, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पहले से पेपर थोड़ा सा ज़्यादा लेवल टफ ही रहा है. और जिस तरीके से हम सबको पता है कि LR आता है, जैसे लॉजिकल रीजनिंग 35 आता है, एप्टीट्यूड 35 आता है, इंग्लिश 30 आता है एग्जाम में. तो अगर LR से जैसे मैंने स्टार्ट किया पेपर में, तो मुझे LR मॉडरेट लेवल का लगा. ओवरऑल चार पजल आई थी, जिसमें से एक पजल फ्लोर की थी, एक पजल स्क्वायर की थी इनसाइड आउटसाइड की, एक लीनियर थी इनसाइड आउटसाइड की, और एक पजल थी लीनियर पांच ऊपर पांच नीचे वाली टू वेरिएबल. तो उसमें से दो पजल बनाने लायक थी, दो पजल छोड़ने लायक थी. और अगर आपका LR ज़्यादा अच्छा है तो आप तीसरी पजल के लिए जा सकते हैं, मगर आप चारों पजल बनाने मत जाइएगा. फ्री में चारों पजल ना बनाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना इतना वहाँ पे नीट है. अब ये तो हो गई LR की बात, जिसमें सिलोजिज्म आया था पांच मेरे बैच में, तीन ब्लड रिलेशन आया था, दो डायरेक्शन आया था, और पांच कोडिंग डिकोडिंग आई. ये कुल मिलाकर LR का ब्रीफ समरी है. अब आते हैं नेक्स्ट पोर्शन में, जो मैंने FT बनाने का डिसाइड किया था. FT में दो डेटा इंटरप्रिटेशन आए थे. एक डेटा इंटरप्रिटेशन पाई चार्ट पे था, इसके क्वेश्चंस इजी लेवल के थे, ज़्यादा कुछ उसमें कैलकुलेटिव नहीं था, सिंगल बस कैलकुलेशन में आंसर आ रहा था. लेकिन जो दूसरा जो था टेबल, वो कंपैरेटिवली पहले वाले से ट्रिकी था. आपको उसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन वो बनेगा. ऐसा कुछ नहीं कि वो नहीं बनेगा, बस पेशेंस और परसिवियरेंस रखेंगे तो बनेगा पेपर में. ऐसा कुछ नहीं कि नहीं बन सकता, लेवल ऑफ टफनेस इतनी नहीं है, बनने लायक है. मिसलेनियस जो था वो भी बनने लायक है, थोड़ा सा लेंदी ज़रूर था. 12 के आसपास मिसलेनियस थे, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर हुए प्रोबेबिलिटी को छोड़ के. सिंप्लीफिकेशन था पांच, सिंप्लीफिकेशन भी एकदम सिंपल था, आराम से बनने लायक थे. सीरीज पांचों की पांचों बनने लायक थी. बस आप किसी भी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा. अगर आपको लग रहा है कि उसमें नहीं बनता, तो सेकंड अटेम्प्ट में आके बना. फिर आते हैं इंग्लिश की बात. इस बार का इंग्लिश कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा लेवल का आ रहा है. पहले जैसा ऐसा होता था कि हम 8 से 10 मिनट में इंग्लिश में क्लियरिंग कट ऑफ लेके आगे जाने का सोचते थे, तो अब वो वाला सिनेरियो यहाँ पे नहीं दे रहा, क्योंकि स्कोरिंग के लिए कुछ सेक्शन दिया ही नहीं है इस बार का. जैसे कि हम देख रहे हैं, जैसे कि एरर होता है, एरर सिंगल लाइनर्स आते थे, उसमें से एरर ढूंढना रहता था. अब 5 सेंटेंस दिया इस बार, 10 क्वेश्चन उसमें थे, जिसमें से आपको रॉन्ग वाला ढूंढना था, 4 राइट थे. तो ये वो भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था. ओवरऑल सिंपल एरर थे, एरर पिक किए जा रहे थे, बस टाइम उसमें ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि 5 सेंटेंस दिए हुए थे. उसके बाद आया था फिलर. आया था फिलर थोड़ा सा, मैं ये नहीं बोलूँगा सेंटेंस बेस्ड था, लेकिन सिंगल लाइनर भी नहीं, और उसमें 3 ऑप्शन दिए थे, उसमें से आपको बताना था कि कौन से दो सही थे. तो भी कंपैरेटिवली पहले से टफ है, लेकिन इजी था, वो बनाने लायक. ऐसा नहीं है कि वो बनेगा नहीं, बस आपको अपना वहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखना है वहाँ पे. और आप ये मत सोच के जाइएगा कि 8 से 10 मिनट में कोई इंग्लिश बनाना है, क्योंकि वो वैसा सीन नहीं होगा इस बार वहाँ पे. और जो RC आ रहा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आ रहा है, वो थोड़ा लेंदी है, थोड़ा उसमें मिक्स है. एक दो क्वेश्चन ट्रिकी है, 2-3 क्वेश्चन उसमें जो है वो बनने लायक है, और एक दो जो वर्ड मीनिंग, जो 5 वर्ड मीनिंग आए थे, उसमें एक दो वर्ड मीनिंग इजी है, आप आराम से उसको पकड़ के पिक कर सकते. अगर आप विदाउट ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके अगर नहीं जाएंगे, और आराम से अगर आप सही तरीके से अगर आप पेपर पे अप्रोच रखेंगे, तो आराम से ज़्यादा ऐसा टाइम अलग वेस्ट नहीं किया. जैसे कि मैं आपको भी बताया, तो उस हिसाब से मेरा अटेम्प्ट 60 हुआ है. कैसा रहा आपका एग्जाम? ठीक था, 63 मेरे थे. ओवरऑल कैसा था एग्जाम? ओवरऑल पेपर वही मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहेगा, है ना. सेक्शन वाइज बताइए, पॉइंट्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे? पॉइंट्स में मैं DI से स्टार्ट किया था, तो DI के 2 DI आए थे, एक पाई चार्ट वाला था और एक टेबुलर वाला था. पाई चार्ट वाला तो एकदम इजी रहेगा, है ना.
और एक टेबलर वाला था, वो थोड़ा ट्रिकी था, है ना, तो उसको थोड़ा समझने में ऐसा लग सकता है कि टाइम लगता है। सिंप्लीफिकेशन तो बहुत ईजी था, मतलब 5 क्वेश्चन थे, है ना, ईजी थे, और सीरीज 5 क्वेश्चन थे, और वो सीरीज ऐसे थे कि अगर अपन माइनस कर रहे हैं, है ना, तो अपने को पता चल जाएगा कि ऑपरेशन क्या हो रहा है। मिसलेनियस चैप्टर से आए थे, सारे चैप्टर के एक एक ऐसे क्वेश्चन आए थे, है ना, और फर्स्ट लुक में जो जो ऐसा लग रहा है कि जो जो तुरंत तुरंत बन सकता है तो वो बना लेंगे, है ना। जैसे मेरे में एक था कि डायमंड वर्क भी फर्स्ट लुक में समझ में आ रहा था, लेकिन उसका प्रोसेस जो है, मेथड जो है, लेंदी का सिस्टम में छोड़ दिया था। ओवरऑल कोई मॉडरेट टू डिफिकल्टी बोले हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे लेंदी थे कि रीजनिंग में जैसे चार क्वेश्चन सिलॉक्स आए थे, चार इनिक्वालिटी आए जाए थे, और फिर कोडिंग रिकॉर्डिंग के चार क्वेश्चन आए थे, है ना। ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजी थे, है ना, तो ये पहले बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और ब्लड रिलेशंस के चार तीन या चार क्वेश्चन आए थे, है ना, और डायरेक्ट चार पजल्स थे, दो पजल्स जो है ईजी थे, है ना। दो पजल्स क्या है कि ऐसा लगे बन सकता है और वो बन भी जाएगा, और दो पजल्स में एक तो था फ्लो वाला, डायरेक्शन मतलब सिटिंग अरेंजमेंट और इन साइड आउट स्क्वायर स्क्वायर में इन साइड आउट साइड, और क्या बोलते एक लीनियर था नॉर्थ फेसिंग साउथ फेसिंग वाला, और एक फ्लोर वाला एक था, और एक और था वो मैं पढ़ा नहीं हूँ, तो मैं ओवरऑल पेपर पजल्स जो है दो पजल बना सकते हैं चार में से, और बाकी दो तो मैं लेंदी थे करके मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, तो मॉडरेट ही डिफिकल्ट। इंग्लिश का जो है कि इंग्लिश का क्या आया था कि 10 क्वेश्चन आ चुके थे, और क्या बोलते हैं, और 20 क्वेश्चन एरर और सिलेंडर आरसी जो है तो काफ़ी लॉन्ग था, पढ़ने में काफ़ी टाइम लग सकता है। अगर यहाँ पर टाइम अगर अधिक है और रीडिंग अच्छा है तो कर सकते हैं। आरसी इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमिक जो है मतलब वो पहले सॉल्व कर रहे थे फर्स्ट लुक से कर सकते हैं। अब एरर ये सब में ऐसा बहुत कंफ्यूजिंग है ना, इसलिए जिसमें जितना रीडिंग में आके मार सकते हो तो मार लो, ऐसे वाला ओवरऑल हाँ मॉडरेट। शशांक ऑल द बेस्ट। आपने कितना गुड। अच्छा क्या क्या आया था मैथ्स जैसे क्वांटिटी एटीट्यूड सेक्शन में? एक तो पाई चार्ट था जो इजी था, एंड सेकंड था टेबुलर। टेबुलर थोड़ा था कॉम्प्लेक्स था उसको समझना, थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड था। तो 10 क्वेश्चन टीआई के थे, और सिंपलीफिकेशन के 5 क्वेश्चन थे, वो इजी थे। और सीरीज था वो भी मॉडरेट था। बाकी मैं लेने से भी हर चैप्टर से 1-1 क्वेश्चन आए थे। लेवल इसका लेवल मॉडरेट था। पजल्स आए थे, एक था फ्लोर बेस और स्ट्रेट लाइन साउथ नॉर्थ, एंड थर्ड था स्क्वायर, एंड फोर्थ कॉम्प्लेक्स वाला था तो मैंने ध्यान रख दिया। और उसका लेवल कैसा था बनाने में? पजल का लेवल स्टेटमेंट ज़्यादा थे बट इतना नहीं था, इजी थे। और सिलॉजिज्म के 4 क्वेश्चन आए थे, इनइक्वालिटीज के 4 क्वेश्चन आए थे, डायरेक्शन के 1 क्वेश्चन था, एंड ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन थे। सिलॉजिज्म 4, इनइक्वालिटी 4, एंड पजल्स के अराउंड 20 क्वेश्चन, और बाकी ब्लड रिलेशन कोडिंग के 4 क्वेश्चन। सेंटेंस बेस्ड आया था क्या? राम इज माय गॉड, इजी था वो। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश इज टफ बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट एरर था, जिसमें पूरे स्टेटमेंट को पढ़ कर उसमें से ग्रामेटिकल एरर ऐसा कुछ एरर में आना था, एंड 10 फिलर थे, फिलर्स में, एंड 10 आरसी था। आरसी में एंटोनिम्स सिनोनिम्स से पूछे थे।
तो ठीक है, मतलब 10 10 10 क्वेश्चन, 10 10 10 क्वेश्चन, तो ओवरऑल इंग्लिश और लिटिल बिट टफ।